सबनम और सलीम जब पहली बार पकड़े गए, जब पहली बार अरेस्ट किए गए दोस्तों, उस समय सबनम के द्वारा ऐसे तीन बड़े झूठ बोले गए जिनकी वजह से पूरा केस सॉल्व हो गया। हाँ दोस्तों, सबनम के उन तीन झूठ बोलने के कारण ही पूरी सच्चाई सामने आ गई। सबनम ने खुद को बचाने और सलीम को बचाने के लिए वे तीन झूठ बोले, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये तीन झूठों के सवाल के जवाब वह पुलिस पहले से ही लेकर बैठी है। दोस्तों, वह कौन से तीन सबसे बड़े झूठ थे जिनकी वजह से सबनम और सलीम को तुरंत उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया। बताने से पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। 2008 में जिस रात को वह घटना हुई थी, उस रात को अचानक से वह सीन, वह दृश्य आज भी सबनम के गांव वालों की आंखों के सामने आ जाता है तो हर कोई हैरान हो जाता है। अर्थात 2008 में जिस रात को सबसे बड़ी भयानक घटना हुई थी, उस रात को दोस्तों सबनम अकेली थी घर पर और अचानक से गांव वाले आते हैं तो अचानक से जो घर में होगा उसी से ही तो प्रश्न पूछेंगे, उसी से ही तो पूछेंगे भाई यहाँ पर क्या हुआ है। सबनम के द्वारा जवाब दिया गया कि यहाँ पर लुटेरे आए और उनमें बहुत सारी झड़प हुई, लुटेरे और मेरे परिवार वालों के साथ बहुत झड़प हुई, इस कारण से वे लुटेरे आए थे, उन लोगों ने मेरे परिवार की जान ले ली। दोस्तों, इस प्रकार से सबनम ने कहानी, बनावटी कहानी सुना दी गांव वालों को और वही कहानी जब पुलिस ने पूछी तो वही कहानी फिर से रिपीट करके सबनम ने फिर से बता दी पुलिस वालों को कि लुटेरे आए और बहुत झड़प हुई एक दूसरे से और ऐसा कुछ करके चले गए। लेकिन दोस्तों, यह सबसे बड़ा झूठ पुलिस ने दोस्तों दो दिन बाद ही पकड़ लिया, क्योंकि जो कोई बोलता है उसे बहुत अच्छे तरीका से जांचा जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि जो पुलिस के द्वारा देखा गया तो पता चला कि जो सब है, पूरे परिवार के जो सब है, यानी सबनम के जो परिवार वाले हैं सभी दोस्तों, जिस स्थिति में हम नॉर्मल सोते हैं अपने पलंग पर या कहीं पर खटिया पर भी, नॉर्मल स्थिति में हम जैसी स्थिति में सोते हैं बिल्कुल वैसी स्थिति में नॉर्मल सबनम का पूरा परिवार एकदम नॉर्मल तरीका से सो रहा था, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं लगा किसी को भी कि किसी की झड़प हुई होगी इनके बीच, क्योंकि सभी परिवार वाले अपनी अपनी खटिये पर बहुत ही नॉर्मल अवस्था में सो रहे हैं, ऐसे इस तरीके से कि इनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, इनके साथ कोई भी झड़प नहीं हुई है। और यहाँ पर सबनम का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया कि यहाँ पर झड़प हुई है। यह दोस्तों आरपी गुप्ता के द्वारा बताया गया है, जो कि इस केस के जांचकर्ता थे, उन्होंने खुद इस बारे में बताया कि ऐसा कुछ हुआ था और हमने ऐसे जांच की थी, सब कुछ पूरा बताया है उन्होंने, सब कुछ पूरा बताया है उन्होंने। और उनके द्वारा यह भी बात बोली गई कि जब हम जांच करने के लिए गए उस समय सबनम के चेहरे को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो रो रही है, सिर्फ नाटक कर रही थी, सिर्फ लोगों को दिखावा कर रही थी। और हम अपनी जांच कर रहे थे, इधर दीवार को देख रहे थे, उधर किसी कोने को देख रहे थे और सबनम अपने परिवार की जो रजाइयां थी उन्हें उठाकर यह देख रही थी कि सांस चल रही है या नहीं चल रही है, कहीं कोई जिंदा तो नहीं रह गया। दूसरा सबसे बड़ा झूठ, जो गले कटने वाली बात, हाँ दोस्तों यह सबसे बड़ा झूठ था कि सबनम के द्वारा बताया गया कि झड़प हुई फिर उसके बाद ऐसा कुछ मेरे परिवार के जो गले आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा कुछ वे लुटेरे कर गए, ऐसी कहानी सबनम ने बनावटी बता दी। लेकिन दोस्तों उसी दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई पूरी परिवार की, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया कि इन्हें ऐसा कुछ करने से पहले इनको पॉइजन दिया गया है, इन्हें पहले बेहोश किया गया है। पुलिस ने तुरंत दूसरा सबसे बड़ा झूठ पकड़ लिया सबनम का, क्योंकि जिस सबनम ने इस प्रकार से यह सबसे बड़ा झूठ दूसरा बोला और जो कि पुलिस की समझ में आ गया कि यह सबनम झूठ बोल रही है, क्योंकि
पुलिस को पता चल गया था कि यह लगातार शबनम झूठ बोलती जा रही है, और फिर पुलिस ने शबनम पर शक करना चालू कर दिया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को बेहोश करता है, तो अगर किसी परिवार को कोई बेहोश करता है तो उसमें उस परिवार के किसी सदस्य का हाथ होता है। दोस्तों यह दूसरा सबसे बड़ा झूठ जिसने इस केस को दोस्तों साफ तरीके से सबके सामने ला दिया। तीसरा सबसे बड़ा, जब जांचकर्ताओं ने शबनम से यह पूछा कि पूरा परिवार इस स्थिति में मिला है तो तुम कैसे बच गए, तुम अकेली मात्र कैसे बचे हो, तो शबनम के द्वारा बोला गया मैं बाथरूम में छिप गई थी, और दोस्तों ऐसा बोला था, और तुरंत शबनम का झूठ, शबनम का अकेला बचना, पूरे परिवार के साथ ऐसी बड़ी घटना होना, और वहां पर स्थित अलमारियों में वह बेहोशी वाली दवाई मिलना, दोस्तों यह सबसे बड़ा सबूत था जिसकी वजह से शबनम कितना भी झूठ बोल रही थी वह सच होकर जो जांचकर्ता थे उनके सामने आ रहा था, और पूरा केस एकदम शीशे की तरह साफ हो गया। दोस्तों ये सबसे बड़े वे झूठ थे जिनकी वजह से शबनम के केस की, या सबसे बड़े वे झूठ थे जिनकी वजह से शबनम और सलीम बहुत जल्द पकड़े गए। दोस्तों सच में बहुत बड़ी जानकारी है, आप लोगों को जरूर ये वीडियो पसंद आया होगा, आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर करके जाना, और अपनी एक कमेंट्स करके राय जरूर देना क्या शबनम ने जो किया क्या हुआ सही किया या गलत किया। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरूर हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।